हाय एवरीवन सलीमास किचन एंड ब्लॉग्स और अनेटी वीडियो लो मैं सलीमा अपनालोक स्वागत जनाइस। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक फनी वाला वीडियो। आप लोग फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को वॉचिंग करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग न्यू है। और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर मेरा बच्चे लोग देखो कॉपी पेन सब कुछ गमछा वगैरह सब कुछ रख दिया है बिस्तर में गंदा करके। और किस किस का बच्चा ऐसे करते हैं बताना ज़रूर। यहाँ पे मैं दूध को गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा कपड़ा भी भिगो दिया है धोने को है। अभी मॉर्निंग में बहुत सारा काम होता है, इसमें मैंने थोड़ा सा दही जमाने को रख दिया है, इसमें जल्दी बन जाता है। जब हम लोग दूसरे बर्तन में रखते हैं ना दूध दही जमाने के लिए, उस टाइम ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग ऐसे छोटा वाला आपके पास थर्मोकल नहीं हॉटकेस केचरल बोलते हैं ना, उसमें रख दो, उसमें जल्दी बन जाता है दही। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पड़ोसी वाले एक बुआ ने मुझे दिया है ये गुड़, ये बहुत टेस्टी होता है खाने में, बाज़ार जैसा नहीं होता है, बाज़ार में भी बहुत मिलता है टाइट वाला लूज वाला, बट ये वाला ना घर का बना हुआ है गुड़ बहुत ही टेस्टी होता है खाने को। हम लोग चाय में भी गुड़ डाल के ही चाय पीते हैं और गुड़ हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हेल्दी होता है, इसलिए हम लोग चीनी कम ही खाते हैं गुड़ ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पर देखिए बेटी को, वो मोबाइल में कुछ देख रहा है, फनी वाला वीडियो देख के हंस रही है। और यहाँ पर देखिए मेरे गमोसा लेके, जो हमारा आसाम का गमोसा बोलते हैं उसको मैंने रख दिया है। बेटा मुझे देख के हंस रहा है, बोला है आसामीज पीपुल आसाम का गमोसा लेके वीडियो बना रहा है। मैं भी हंस रही थी उसी टाइम पर। और ये देखो मैंने उंगली से बताया कि मेरा जो फ्रंट वाला कैमरा है ना, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरा आवाज़ लिपसिंग हो जाता है, किस किस का ऐसा होता है आप लोग प्लीज़ बताना, सिर्फ मेरा मोबाइल में ही हो रहा है या सभी का होता है ये प्रॉब्लम। और मॉर्निंग का ये थोड़ा सा नज़ारा देखिए, हमारे पड़ोस वाले मतलब यहाँ पर कोई मकान नहीं बनाया, ऐसे खाली पड़ा हुआ है, बहुत सारा आम जामुन का पेड़ है। ये देखिए हमारा विंडो के बीच में ही एक, जो क्या बोलते हैं असमिया में बोलते हैं रबब टेंगा, इंग्लिश में क्या बोलता है पता नहीं, खरबूजा। और ये देखिए सजना काट रही हूँ मैं, ड्रम स्टिक काट रही हूँ, इसको आसामीस में सजना बोलते हैं। और इसका मैं एक अच्छा टेस्टी वाला एक सब्जी बनाऊँगी आज, साथ में एक बड़ा वाला आलू कट कर लिया है स्लाइस में। और वीडियो को आगे देखते रहिए। इस ऑयल में जाएगा, हमने जो काट के रखा था पटेटो, ये जो हमने काट के रखा है ये जो पटेटो है ना, इस पटेटो को हम अभी फ्राई करेंगे। फुटो मत। ये इसको हम खला लेंगे। इसमें तो रखा ये
डालने से हमारा आलू पकता रहेगा अच्छे से। ये हमारा जो आलू है ये देखो थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का हो गया है, हम इसे कर लेंगे एक प्लेट में। ये मैंने आलू को फ्राई करके उतार लिया है एक प्लेट में। अभी साथ साथ में डालेंगे थोड़ा सा इसमें जाएगा अभी थोड़ा सा जीरा पाउडर। चलिए ये जीरा चटक जाएगा, इसमें जाएगा ये धनिया। धनिया को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। जैसे फ्राई हो जाए हो जाएगा थोड़ा सा लहसुन। ये क्या हो गया, खलास लाइटे ऑफ हो गया, मेरा वीडियो बनाने के टाइम पर ही ऐसा होता है, समझा? मेरा वीडियो बनाने के टाइम पर ही ऐसा होता है, फ्लैश लाइट ऑफ हो गया है। मेहरू को डाल दिया है, अब इसमें जाएगा ये हमारा सजीरा। सजीरा ये जाएगा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर भी डाल दिया है जी। जितने ही जितने से ही डाल दिया है जी, हमको आदत है जी जितने से ही डालना। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी जाएगा जी, तभी तो मजा आएगा जी। गया है जी हमारे घर में पांच फुरन डाल दिया है, पांच फुरन डालने के बाद इसको इसे गर्म पानी का मान ढाली देखते इसे गर्म पानी क्यों डाला है इसका खाई कैने का लगभग कलर तो अच्छा आया है, फ्लैश लाइट नहीं जला है। इसी टाइम पे हमको इसमें डालना है ये पोटैटो। पोटैटो डालने के बाद हम अच्छा सा एक मिक्स कर देंगे। पोटैटो डालने के बाद हमारे पास ये देखो मच्छी है, ये है ड्राई कॉर्न, इसको डाल दिया है। ये खराब वाला वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्लैश लाइट गर्म हो गया है, इसलिए हमारा फ्लैश लाइट नहीं जलेगा। अब हमको इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसे बनाते रहो, थोड़ा सा गर्म पानी बनाते हो बैंगन। क्या करो दीदी, बैंगन लोगों के साथ में बैंगन नहीं होता है। अभी हम इसमें लीड लगाएंगे ताकि हमारा झज्जी अच्छा बने। अभी हम छोटा के देख लेते हैं, मच्छी को अच्छे से ऐसे
रेडी कर दिया है, ये देखो। ये देखिए हमारा सब्जी बहुत ही अच्छा बना है, ये आलू भी हमारा पक गया है। ये इसी टाइम पे हमको ऐसे उतार लेना है और आप लोग भी ऐसे बना के एक बार देखिए ट्राई करके, बहुत ही अच्छा। झूल आप लोग कितना खाते हो इतना ही रखो, मैं अभी इसी टाइम में गैस को ऑफ कर दूँगी। नहीं ऐसा के ले पो इधर हमारी अम्मी जान पर रही है। देखो देखो ये जब भी ना कुछ पड़ती है बीमारी हो जाता है मुख। देखो बेबी के मुंह में मैंने हंसी ला दी। तो ये देखिए इवनिंग का टाइम है, हम लोग एक मन्नत मांग रहे हैं, वो मन्नत पूरी करने के लिए कुछ दुआ पढ़ रही है तस्बीह लेके। मेरे बेटी हूँ, बेटा भी बैठा है और बेटी भी पढ़ रही थी, बात वीडियो बनाने के लिए उठ के हम लोगों का वीडियो बनाने लग गई है। और जो हमने दुआ तस्बीह में गिनती करे है ना, वो इसमें लिख के गई हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगी। बहुत सारा 1,24,000 पढ़ना है, इसीलिए हम लोग लिख के रख रही हूँ एक कॉपी में। और बाद में मैं बताऊँगी क्या पढ़ी थी, दूसरे वीडियो में बताऊँगी आपको। और बहुत टाइम लगता है, बट हम लोग ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं और कायान और हमजा हम तीनों मिलके पढ़ रही हूँ। ये कायान का है, वो पढ़ रही है, उसका हिसाब है ये। हम माँ और बेटा का हिसाब एक कॉपी में, दूसरे कॉपी में। और उसके बाद ये पढ़ने के बाद हम लोग को पानी पूरी खाने का मन हो रहा था। बेटा हमजा बोला मम्मी पानी पूरी बना दो थोड़ा सा, इसलिए ये वीडियो कायान ने बनाया है। उसने ये पोटैटो और चिल्ली, ग्रीन चिल्ली को रख दिया है बॉईल होने में, और 2-3 सीटी लगाएगा, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखो उसके बाद ठंडा होने दिया है, कुकर को ठंडा होने दो, आलू चिल्ली सबको ठंडा होने दो, सिर्फ आलू को ही नहीं सबको। उसके बाद देखो ये जो पानी पूरी है ना गोल गोल, हम उसको गरम गरम तेल में फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद इसको हम अच्छे से एक चटनी बनाएंगे, चटनी नहीं ये पानी है पानी, उसका पानी में हमने डाला है काला नमक, सादा नमक, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला सब कुछ, पानी पूरी वाला मसाला भी डाल दिया है, उसको नहीं दिखाया है। उसके बाद हमने जो पानी पूरी है उसमें फिलिंग्स को भर लिया है आलू का। भरने के बाद हम तीनों बैठ गए खाने को, दुआ दुआ छोड़ दिया है। दुआ मतलब जो हम लोग तस्बीह कर रहे थे ना उसको साइड में रख दिया है, उसको रख के पानी पूरी खाने बैठ गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना जो लोग न्यू है। और ये देखिए हम तीनों के बीच में हम लोग कंपटीशन लगा रहे थे, बोले थे 1 मिनट में 10-10 कौन खा सकता है। बट पहले मैं जीता था, फिर मैं जीती, उसके बाद मेरी बेटी, उसके बाद हमजा तो एकदम सबसे लास्ट, वो आराम से पानी का मज़ा, खट्टा वाला पानी का मज़ा ले लेके खा रहा था। ये देखो हमारा जो वीडियो हो ना आप लोगों का अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर देना। और इस टाइप का वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बताना कमेंट करके, मैं ज़रूर आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊंगी फिर से, हिंदी वाला वीडियो और फनी फनी, और फ़नी वाला चाहिए तो मैं फ़नी वाला भी बना के दूंगी। आप लोग देखते रहिए हर रोज़ मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वी आर जस्ट एंजॉइंग एंजॉइंग।
और पानी पूरी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं।